गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की शुरुआत करेंगे, समझेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोगों को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कुछ तो पहले हम बता चुके हैं, उसका हम रिवीजन कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। आइए देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अगला चैप्टर है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्या हो गया हिंदी? प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण जानने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद कीजिए, आप इक्वेशंस ऑफ वेव बताए होंगे, अर्थात वाइब्रेटिंग पार्टिकल के मोशन का इक्वेशन क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं वाइब्रेटिंग पार्टिकल अर्थात कंपन करने वाले कण का वेग सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सरल आवर्त गति होती है, और कणों के कंपन करने के कारण ही तरंग बनता है। इसलिए तरंग का भी इक्वेशन वही होता है जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल का इक्वेशन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट पढ़ चुके हैं पहले, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। हिंदी स्पष्ट है, तरंग का समीकरण क्या पढ़े थे? तो वाई इज इक्वल टू पढ़े थे ए साइन ओमेगा टी, एक तो ये इक्वेशन पढ़े थे। दूसरा जनरल इक्वेशन क्या पढ़े थे? वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एफ आई। बताइए ये दोनों क्या है? इक्वेशंस ऑफ वेव है, जहाँ की y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आप यदि नए स्टूडेंट हैं, पहले नहीं पढ़े हैं, तो वे y इज इक्वल टू क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी समय पर डिस्प्लेसमेंट है, टी समय पर डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कण जो वाइब्रेट करता है तो वो अधिकतम जितना दूर अपने मीन पोजीशन से जाता है उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, अधिकतम विस्थापन कहेंगे, जिसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड हिंदी क्या हो गया? आयाम। आयाम आयाम है ये, एम्पलीट्यूड। तो बताइए अब ये क्या है? सॉरी ओमेगा क्या है? ओमेगा पता है,
ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और डेल्टा क्या है, ये इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज, या इसी को इपॉज कहते हैं, इपॉज कहते हैं, प्रारंभिक कला, या प्रारंभिक कला हिंदी में कहते हैं, प्रारंभिक कला। एंगुलर वेलोसिटी तो आप जानते हैं कोणीय वेग होता है। आइए हम लोग देखे वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा या वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दोनों क्या है, इक्वेशंस ऑफ वेव है, जिसमें से नीचे वाला अर्थात इक्वेशन सेकंड जो है वो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव कहलाता है, जिसमें ओमेगा का वैल्यू आप चेंज करते होंगे, याद कीजिए ओमेगा का वैल्यू हम लोग चेंज करते थे ये साइन ओमेगा के बदले 2πn लेते थे इंटू टी प्लस डेल्टा, और भी याद होगा ये साइन 2πT इंटू टी प्लस डेल्टा, कैपिटल टी क्या था, वेयर कैपिटल टी क्या था, टाइम पीरियड था, ये सब पढ़ा चुके हैं। आइए हम बात करते हैं आगे कि ये तो इक्वेशंस ऑफ वेव है, और ध्यान रखिएगा हमको अभी यूज करेंगे किसका, इस एम्पलीट्यूड का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का, अधिकतम विस्थापन का। कोई कण देखो बाबू, कोई कण वाइब्रेट कर रहा है ऐसे इस मीन पोजीशन के आगे पीछे, तो ये अधिकतम विस्थापन जो होगा, अधिकतम डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसी को एम्पलीट्यूड कहेंगे, चाहे ऊपर हो या नीचे हो एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो हम इस एम्पलीट्यूड पर बहुत अधिक डिस्कशन अभी करेंगे, इसलिए एम्पलीट्यूड को ध्यान में रखिए क्या है एम्पलीट्यूड, बार बार उसकी ज़रूरत पड़ेगा एम्पलीट्यूड क्या है। आइए कोई ये बताइए इंटेंसिटी समझते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट समझते हैं क्या, प्रकाश की तीव्रता समझते हैं क्या, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। तो जानिए जिसको कम समझ में आता है बाबू, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो अभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का चलो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की हम बात करेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में यदि डिबिया का नाम सुने हैं, देखे हैं डिबिया से भी लाइट होती है, लैंप से भी लाइट होती है, बल्ब से भी लाइट होती है, और वेपर से भी लाइट होती है, लेकिन सारे के लाइट की इंटेंसिटी में, यानी जितने सोर्सेज ऑफ लाइट बताए, प्रकाश का जितना स्रोत बताया गया मेरे द्वारा, सब के प्रकाश के तीव्रता में अंतर है। डिबिया है तो डिबिया में जो प्रकाश डिबिया से निकलती है उसकी तीव्रता बहुत कम होती है, और आगे बढ़ें लैम्प का थोड़ा सा तीव्रता बढ़ेगी,
बल्ब की बात करें, बल्ब में भी कैटेगरी है। 5 वाट का बल्ब लीजिए, उसमें इंटेंसिटी कम होगा किसके रिस्पेक्ट में, 10 वाट के रिस्पेक्ट में, 20 वाट के रिस्पेक्ट में। इसी तरह 50 वाट का वेपर यदि हम लगाए हुए हैं, 10 वाट के बल्ब से उसकी तीव्रता बहुत अधिक होगी। आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे ही हम लाइट बल्ब वगैरह देखिएगा, अभी हम बंद करेंगे एक बल्ब दो बल्ब, इंटेंसिटी घटती जाएगी। देखिए हम घटा कर दिखाते हैं आपको, ये देखिए तो आपकी इंटेंसिटी घट गई होगी इसकी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अभी भी दिखाई दे रहा है प्रकाश की तीव्रता, लेकिन इंटेंसिटी इसकी घट गई। अब देखिए तो और घटा देंगे हम, देखिए देखेंगे और घट जाएगा। ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट और घट गई, लेकिन बढ़ाना चाहते हैं देखिए तो बढ़ती गई, देखिए बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि तीव्रता को समझने लगे हैं अब, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पर निर्भर करेगा ये हम सीखेंगे, क्योंकि लाइट एक तरह का वेव है और वेव का इक्वेशन हम जान चुके हैं, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसमें से किस पर निर्भर करेगा, इंटेंसिटी। आइए इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ऐसे होता है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। हम कह सकते हैं भाषा में कि प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग का प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आइए हम लिखेंगे यहाँ, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और सब जानते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो क्या देंगे, कोई कॉन्स्टेंट देंगे, हम यहाँ देते हैं के। और जानते हैं फॉर एयर और वेकम, फॉर एयर और वेकम के लिए ये देखा गया है कि के का वैल्यू कितना होता है, 1। एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया है, यहाँ प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, I इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान में रखना है, ये मेमोरेबल पॉइंट की बात करें, MP की बात करते हैं या मेमोरेबल फॉर्मूला की बात करते हैं, ऐसा कहाँ जाएंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीखे, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और देखो देखना क्या है, जानना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल, पहले भी पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप किसका पढ़ रहे हैं, आप वेव की बात करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव यानी तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स क्या होता है इसको सीखना। आइए देखिए, वेव मान लीजिए चल रहा है, इसे समझा रहे हैं, वेव यहाँ से निकला और ऐसे ऐसे चल रहा है। अब बता तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये भी तो एम्पलीट्यूड कहलाता है, लेकिन यदि हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऊपर माने इसको वेक्टर, ये तो नीचे की ओर क्या मानना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस वेक्टर, ये वेक्टर यदि माने डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऊपर यदि पॉजिटिव होगा तो नीचे क्या हो जाएगा निगेटिव, चूँकि डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस ही लिख सकते हैं। आप बताइए तो दो वेव हमको चलता है, दो वेव मान लीजिए, दो वेव एक साथ चल रही है एक रेखा पर, दो वेव चल रही है, लेकिन ऐसा यदि हो, ऐसा ध्यान दीजिएगा, कोई इस तरह से चलना शुरू करे तो क्या देख रहे हैं आप, कि ऊपर यदि पॉजिटिव ये मान है तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा निगेटिव, ये ठीक, दोनों ये जो कण है तब इसमें विस्थापन कितना होगा, तो कहिएगा सर दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दोनों डिस्प्लेसमेंट के योग के बराबर होगा, अनियोग मतलब यहाँ सदिश योग के बराबर होगा, कहने का सेंस ये है कि दो वेव है, एक वेव क्या करना चाहता है, ऊपर ले जाना चाहता है कण कण को, और दूसरा वेव जो उत्पन्न हुआ है वो किधर लेना ले जाना चाहता है, नीचे की ओर ले जाना चाहता है, तो कण किधर जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी, न ऊपर न नीचे, क्यों, क्योंकि जितना विस्थापन ऊपर करना चाहता है उतना ही विस्थापन नीचे की ओर करना चाहता है, हाँ ऊपर यदि अधिक होता नीचे कम होता तो रिजल्टेंट किधर होता, ऊपर की ओर, लेकिन यदि सेम है तब कितना होगा, तब देखिए कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ये परिणामी विस्थापन की बात करें तो ये बराबर कितना होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा, वेक्टर ये प्लस माइनस वेक्टर ये, और ये क्या होगा, वेक्टर ये माइनस वेक्टर ये, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो जानते हो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाए, हाँ एक तो ये हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन की बात हुई, तो दो वेव इसको कहते हैं अपोजिट फेज में मिल रहा है, बताएंगे फेज डिफरेंस तो हम बता चुके हैं फेज वगैरह, लेकिन यहाँ जानिए कि एक ऊपर एक नीचे यदि वेव चलती है इस तरह से तो रिजल्टेंट जीरो, लेकिन यदि दोनों वेव इस तरह से चले, एक इधर गया मान लीजिए, दूसरा भी वेव उसी पर चल रहा है, मैं चूँकि ये डॉटेड लाइन इसलिए दिखा रहे हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड अभी हम क्या मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं, सेम मानेंगे तो क्या होगा, दोनों में एम्पलीट्यूड सेम होगा तो वो दोनों एक साथ एड अप हो जाएगा, वेक्टर सम के बराबर होगा, तो ये क्या रिजल्टेंट को यदि वेक्टर हम
ए वन मान है तो ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए के बराबर हो। और इसका मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, मॉड ऑफ, यदि मॉड ऑफ ए वन लेंगे तो आपको पता है इसका कितना होगा, ये टू ए है तो टू तो ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए होता है तो क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, यानी दो गुना हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। कैसे, ये देखिए अभी इतना ये था तो अब न्यू वेव जब बनेगा तो इस तरह से हो जाएगा, न्यू वेव का एम्पलीट्यूड इस तरह से होगा, दो गुना हो जाएगा। यानी ये जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू ए के बराबर होगा। यही है क्या चीज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ टू वेव्स या वेव्स। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कहता है दो या दो से अधिक वेव्स जब किसी मीडियम में चलते हुए किसी एक पॉइंट पर मिलती है या एक पॉइंट से गुजरती है, तब सारे वेव्स के द्वारा कणों में जो विस्थापन होगा उस सारे विस्थापन का कुल योग या सारे विस्थापन का जो सदिश योग होगा वही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो कहने का सेंस ये है मेरा कि जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंग चलते हुए किसी खास पार्ट बिंदु पर मिलती है तो उस पॉइंट का, उस बिंदु का कुल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग वेव के द्वारा, अलग अलग तरंग के द्वारा उत्पन्न अलग अलग एम्पलीट्यूड, अलग अलग आयाम के या अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहने का सेंस ये बता चुके हैं, दोनों एक दिशा में यदि जाएगा, दोनों यदि ऐसे एक वेव ऊपर की ओर गया तो सेम उसी तरह से ये भी ऊपर की ओर दूसरा वेव भी जाएगा एक साथ, तो रिजल्टेंट हो जाएगा दोगुना। अपोजिट में मिलेगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। और ये कैसे करते हैं, तो ये सदिश योग के नियम के तहत ऊपर का पॉजिटिव तो नीचे का निगेटिव दोनों को मुनेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका जरूरत है। एम्पलीट्यूड की बात कर दिया हम, विस्थापन भी कर सकते हैं ना अलग अलग पॉइंट पर, कि एम्पलीट्यूड तो नहीं होगा विस्थापन होगा, विस्थापन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखते हैं, चलिए हम विस्थापन के रूप में लिखना है, यदि दो या दो से अधिक तरंग तरंग किसी बिंदु पर मिलती है कि किसी बिंदु से होकर गुजरती है, किसी बिंदु से होकर गुजरती है तब उस बिंदु के कण का कुल विस्थापन
अलग 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 तरंगों के द्वारा उस अलग अलग तरंगों के द्वारा उस कान में उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए समझा चुके हैं, फिर भी यदि आप लेना चाहें और भी लिखेंगे, यदि y1 y2 y3 .yn क्या है yn माध्यम के किसी कण का विस्थापन हो, ये विस्थापन किसके द्वारा उत्पन्न हुआ होगा? अलग अलग तरंगों के द्वारा, समझा चुके हैं, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। यदि y1, y2, y3, yn माध्यम के किसी कण का अलग अलग माध्यम के किसी कण का अलग अलग तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापन हो तो उस कण का कुल विस्थापन y = y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस .yn यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। हम लोग चलेंगे अब देखना है कोहेरेंट
sources of light, इसको कहते हैं कला संबद्ध प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश का, ऐसे कह सकते हैं प्रकाश का कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ये क्या होता है देखना। देखिए हम बताए थे वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन टू पाई एन एन यू इंटू टी प्लस डेल्टा। ये एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। यदि आवृत्ति क्या हो, सेम हो दोनों सोर्सेज का, आवृत्ति सेम हो और क्या हो, ये इनिशियल फेज एंगल वो कांस्टेंट हो, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। लिखिए क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और इनिशियल फेज एंगल जिसको कहते हैं इपॉच, वो हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, टाइम के साथ चेंज नहीं हो, तब प्रकाश के ऐसे दो स्रोत को कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश का कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। लिखिए, लिखना है यदि प्रकाश के दो स्रोतों, प्रकाश के दो स्रोतों का आवृत्ति, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति समान हो, किंतु और दिजन और प्रारंभिक कला इसको कहते हैं इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल हमेशा कांस्टेंट हो। और ये कह रहा है कि ये फेज, इनिशियल फेज डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको, इनिशियल फेज डिफरेंस क्या हो, हमेशा कांस्टेंट हो। प्रारंभिक कला कोण का अंतर भी कह सकते हैं, प्रारंभिक कला कोण का अंतर हमेशा कांस्टेंट हो, प्रारंभिक कला कोण का अंतर
हमेशा कांस्टेंट हो तो उसे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यानी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहा जाता है। चलिए लिखिए तब तक, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, फिर बताते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है। हो गया होगा, लेकिन इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या कहेंगे किसको? ये देखिए, इस बार क्या बोल रहे हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट प्रकाश का कला व संबद्ध, कला व संबद्ध स्रोत, कला व संबद्ध स्रोत क्या होता है? इस बार देखिएगा, यदि प्रकाश के दो स्रोतों की आवृत्ति या तो समान हो या भिन्न हो, दोनों हो सकता है इसमें, आवृत्ति या तो समान हो या भिन्न हो, और क्या हो, प्रारंभिक कला कोण का अंतर ये कांस्टेंट नहीं हो बल्कि समय के साथ ये परिवर्तनशील हो, समय चेंज होगा तो ये प्रारंभिक कला कोण का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ इनिशियल फेज एंगल ये क्या होगा, ये चेंज होगा तो इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाएगा। तो चलिए, समान हो या भिन्न हो और प्रारंभिक कला कोण का अंतर, प्रारंभिक कला भी बोल देते हैं आपको, प्रारंभिक कला का अंतर कह सकते हैं, इनिशियल फेज भी बोलते हैं, इनिशियल फेज एंगल कहना जरूरत नहीं है। तो चलो, प्रारंभिक कला इनिशियल फेज का अंतर समय के साथ बदले, समय के साथ बदले तो उसे क्या कहते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, तो उसे इनकोहेरेंट लिख देते हैं हम फिर से, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहा जाता है, ये सीखे।
कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। परीक्षा में भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। आगे क्या देखेंगे, इसी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमको जरूरत पड़ेगा, सब बेसिक दे रहे हैं, सिर्फ बेसिक है। चलिए बेसिक सीखेंगे। आइए, ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा हमको, साइन सी प्लस साइन डी। जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं याद कर लीजिएगा। टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उसको ये जरूरत पड़ेगा हमको इसकी। नेक्स्ट है कि वन प्लस कॉस टू ए इज इक्वल टू हाउ मच होता है, तो जानिए टू कॉस स्क्वायर ए होता है, टू कॉस स्क्वायर ए। याद कीजिएगा इस फॉर्मूला को, ये है। और अब हमको ज़रूरत नहीं जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम दिए किसका, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख कर रखिएगा, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने में काफ़ी आसानी होगी। थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।